वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन से। डिफाइन डिजिटल ग्राफिक्स प्लॉटर। ठीक है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिजिटल ग्राफिक्स प्लॉटर क्या होते हैं। ये भी सेम प्रिंटर की ही तरह काम करते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर्स को प्रिंट करने के काम आते हैं। प्लॉटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, एक आउटपुट का उपकरण है, लाइक प्रिंटर्स, प्रिंटर की तरह ही। बट इट यूज पेन, पेंसिल, मार्कर और अदर राइटिंग टूल्स टू ड्रॉ ग्राफिक्स इंस्टेड ऑफ ए टोनर। बट परंतु इट कैन यूज, ये यूज करते हैं पेन, पेंसिल, मार्कर और कुछ राइटिंग वाले टूल्स ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए, कि पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए। इंस्टेड ऑफ मतलब इसके विपरीत, ऑफ ए टोनर, टोनर के विपरीत, यहाँ पे टोनर के विपरीत इसलिए बोल रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ ए टोनर। प्रिंटर्स में, ये जो हमने प्रिंटर्स की शुरू में टाइप पढ़ी थी ना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उनमें टोनर यूज करते हैं, ठीक है। और इनमें पेन, पेंसिल, मार्कर और अदर राइटिंग टूल्स यूज होते हैं पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए। इट प्रिंट कंटिन्यूअस लाइंस ऑन टू पेपर इंस्टेड ऑफ अदर प्रिंटर्स। बोल रहे हैं कि इट प्रिंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार लाइंस को प्रिंट करता है ये पेपर के ऊपर। इट प्रिंट कंटिन्यूअस लाइंस ऑन टू पेपर, ये कंटिन्यू क्या करता है, लगातार लाइंस को प्रिंट करता है कागज के ऊपर, लाइंस के रूप में पिक्चर्स को प्रिंट करता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अदर प्रिंटर्स, बाकी दूसरे जो प्रिंटर होते हैं उनके विपरीत, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मतलब उनके विपरीत। There are two main types of plotter, यहाँ दो तरह के plotters हैं। Flat bed plotters, एक flat bed है, flat मतलब ना समतल, bed की तरह होते हैं वो plotters, और drum plotters, और दूसरे drum plotters हैं। मैं आपको आज वीडियो में भी दिखाऊंगा कि ये दोनों चीजें जो है किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो first है हमारा flat bed plotters। Flat bed plotters use a system to fix paper and moves a pen up and down, left and right to draw graphics on the paper. अब ये जो flat bed plotter है, ये use करते हैं एक system to fix paper. अब इनमें एक system होता है, इनके अंदर कुछ लगा होता है, उसके अंदर हम paper को fix कर देते हैं, ठीक है। And or moves a pen, उसके बाद ये pen को move करता है up and down, ऊपर और नीचे, left and right, बाएं और दाएं, टू ड्रॉ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए, ग्राफिक्स मतलब पिक्चर्स वगैरह जो भी है उसको ड्रॉ करने के लिए ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब ये भी सेम वैसे जैसे हमारा प्रिंटर होता है ना, वैसे ही ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। कंप्यूटर में हम जो चीज बनाएंगे, बैनर के लिए जो डिजाइन बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, वो सेम वैसे ही कमांड हम कंप्यूटर से देंगे और ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो उसको हम प्ले करके देखते हैं। Thank you.
अब है हमारा सेकंड पॉइंट, ड्रम प्लॉटर्स। ड्रम प्लॉटर्स यूज अ सिस्टम टू फिक्स पेपर एंड रोटेटिंग ड्रम टू मूव अ पेन अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द पेपर। अब ड्रम प्लॉटर जो है वो सेम ये भी वैसे ही सिस्टम यूज करता है टू फिक्स पेपर, जैसे नीचे दिया हुआ है ना, इसको पेपर को भी सेम इसमें फिक्स करते हैं। एंड रोटेटिंग ड्रम, और एक रोटेटिंग ड्रम लगा होता है इसके अंदर, टू मूव अ पेन अप एंड डाउन, जो पेन को क्या करता है अप एंड डाउन भी मूव करता है, लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं, टू ड्रॉ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए, जो भी पिक्चर है उसको ड्रॉ करने के लिए ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर। ड्रम प्लॉटर कैन यूज मोर देन वन पेन टू ड्रॉ कलर। अब ड्रम प्लॉटर जो ड्रम प्लॉटर में हम एक से ज्यादा पेन जो है वो यूज कर सकते हैं टू ड्रॉ कलर प्रिंट, यहाँ पे लास्ट में प्रिंट लिख लेना है, टू ड्रॉ कलर प्रिंट। ड्रम प्लॉटर कैन यूज मोर देन वन पेन टू ड्रॉ कलर प्रिंट, ठीक है, कलर प्रिंट को ड्रॉ करने के लिए इसके अंदर हम एक से ज्यादा पेन को यूज कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको इसकी वर्किंग भी दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। साथ ही हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। अगर थोड़े बहुत जो भी बचे होंगे उनको हम बाद में भी कंप्लीट कर लेंगे। वैसे लगभग इस चैप्टर के हमारे सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो गए हैं। तो फिर हम कल फिर नए चैप्टर के साथ मिलते हैं और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।